कोरोना संकट की दूसरी लहर का कहर बरकरार है। 6 दिनों बाद फिर कोरोना मामले 40,000 से ज्यादा सामने आए हैं। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 41,195 नए कोरोना केस आए हैं और 490 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले 5 अगस्त को 44,643 कोरोना केस सामने आए थे। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे में 39,069 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 1,636 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,20,77,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,29,669 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,12,60,000 लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अब 4,00,000 से कम है। कुल 3,87,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना के कुल मामले 3,20,77,706, कुल डिस्चार्ज 3,12,60,050, कुल एक्टिव केस 3,87,987, कुल मौतें 4,29,669, कुल टीकाकरण 52,36,71,000 डोज दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 11 अगस्त तक देश भर में 52,36,71,000 कोरोना वैक्सीन की डोज दिए जा चुकी हैं। बीते दिन 44,19,00,000 टीके लगाए गए हैं। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 48,32,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 15,11,00,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट 97.45% है। एक्टिव केस 1.21% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 10वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।